हेलो दोस्तों, मैं हूं मिराज आलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इम्प्रिंट सॉल्यूशन मुंबई। और आज हम इप्सन के L805 जो कि A4 साइज का प्रिंटर आता है उस पर हम DTF प्रिंटिंग देखेंगे और इंस्टॉलेशन उसका करने वाले हैं और इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी आती है वो हम देखने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको जो डेमो है वो इस वीडियो में आपको दिखेगा। और इससे पहले हमने जो है इप्सन L1800 पे जो A3 साइज का प्रिंटर आता है उस पर हमने DTF का कंप्लीट प्रोसेस एंड डेमो जो है वो दे दिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आपको जो है इंकवेल की तरफ से जो प्रीमियम क्वालिटी DTF पेट फिल्म है वो अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है तो ये हमारे पास इंकवेल की तरफ से DTF इंक है जो 2 white and 4 कलर्स में अवेलेबल है, जो सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक में आपको मिल जाएगा। और इसे हम अभी यूज करने वाले हैं इप्सन L805 में जो कि DTF प्रिंटिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो ये जो हो गया इंक का हमारे पास सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये हमारे पास DTF पाउडर अवेलेबल है जो इस तरह के बॉक्स में इंकवेल की तरफ से आता है और ये 1 kg का पैकिंग होता है। तो ये पाउडर को हम कैसे यूज करेंगे वो भी हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम सारे चीज का इंस्टॉलेशन अब देखते हैं। तो जो हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट है यहाँ पे जो CISS सिस्टम होता है इप्सन L805 में वहाँ पे हमें देखना होगा। देख सकते हैं इप्सन L805 का CISS सिस्टम है। तो यहाँ पे अभी हमें इंक रिफिल करना है तो वो प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफली बाकी सारे कलर सियान में हम सियान यूज करेंगे, मजेंटा यूज करेंगे एंड ब्लैक एंड येलो यूज करेंगे। ये लाइट मजेंटा एंड लाइट सियान ये दोनों में जो है हम व्हाइट यूज करेंगे, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है दोनों सारे नॉब को हटा देंगे। और हमें इस लेवल तक जो है यहां इस लेवल में जो है वो प्रिंट इंक जो है रिफिल करना है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक एरो की बना हुआ है इस लेवल तक। रिफिल कर दिया है प्रॉपर। और अभी हम इसे जो है इसका नॉब जो है आप देख सकते हो कि अभी इसे हमें लगाना नहीं है, इसे ओपन ही रखना है नॉब को उसके, और इसको जो है स्टैंड कर देना है। और ये हमने स्टैंड कर दिया है इसको, आप देख सकते हो ओपन ही रहेगा। और फिर हम जो है प्राइमिंग करने वाले हैं। और प्राइमिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होगा कि हेड जो है वो लॉक पोजीशन से अनलॉक पोजीशन पे लेना है। तो हमारे लेफ्ट साइड में आप नीचे देखोगे प्रिंटर में तो वाइट कलर का आपको व्हील होगा जिसे हम ऊपर की तरफ जो है मूव कराएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये हम आप देख सकते हैं कि हम अभी जो है इसको अनलॉक कर रहे हैं और ये अनलॉक हो चुका है। अनलॉक होने के बाद हमें ज़रूरत होगा एक स्क्रू ड्राइवर की, जो यहाँ आप स्क्रू देख रहे हो ये स्क्रू को ओपन करना है हमें, ठीक है। तो हमें इसको प्रॉपर हम ओपन कर लेंगे। और ये मेरा जो प्रिंटर है L805 ये ऑलरेडी यूज था जिसको हमने कन्वर्ट किया है DTF पे। तो ये हमने स्क्रू जो है वो ओपन कर लिया है और ये कवर को हटा देना है। और हटाने के बाद जो है हमें ये 6 डैम्पर जो है वो 6 डैम्पर को ओपन कर लेना है। तो डैम्पर ओपन करने के लिए आप सामने से जो है फिंगर अपने अनलॉक पोजीशन पे लेके जाओगे
तो पहले ये वाला जो पट्टी है, इस पट्टी को जो है हम हटा देंगे और ये सारे डैम्पर्स को हम जो है हेड से निकाल लेंगे और प्राइमिंग करेंगे इसको। और इसके लिए हमें जो है 5 इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, जो 5 कलर के लिए हमें यूज़ करना है। तो आप एक 5 इंजेक्शन जो है वो किसी भी फार्मेसी से लेकर के आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको प्राइम करेंगे। तो यहाँ जो आप होल देख रहे हो बैक साइड में, इसमें जो है हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे और फिर जो है वो कलर को हम सक करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ कलर्स जो है वो आ रहे हैं। और इसी तरह से जो है हमें सारे कलर्स को जो है डैम्पर को जो है वो लगा दिया है, उसके बाद आप जो है इसका कवर जो है वो आप लगा देना। एंड फिर जो है वो स्क्रू जो हमने खोला था उसको फिर से हमें जो है पेंटर में लगा देना है। ओके दोस्तों, तो अभी हमने जो है अपना L805 को जो है वो प्राइमिंग कर लिया है और अब हम इसे ऑन करेंगे और एक पावर इंक फ्लशिंग देंगे। उसके बाद जो है हम प्रिंट प्रोसेस करेंगे और प्रिंट देखेंगे DTF पे प्रिंटिंग कैसा होता है हमारा L805 के साथ। तो हमने पावर जो है वो ऑन कर लेना है पहले। तो यहाँ पे जो है प्रिंटर वो स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो अभी हमें जो है वो इंक फ्लशिंग करना है। तो सबसे पहले हमें जो है प्रिंटर एंड डिवाइस में जाना है। प्रिंटर एंड डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इप्सन का L805 सीरीज आपको करके होगा, तो उसके में हमें राइट क्लिक करना है और प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे जाना है। प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे जाने के बाद हम जो है एक मेंटेनेंस आएगा आइकन, मेंटेनेंस पे हम क्लिक करेंगे और उसमें देखेंगे कि इंक जो है पावर इंक फ्लशिंग का जो है वो ऑप्शन है। तो पावर इंक फ्लशिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और जो है वो इंक इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे और उसको ओके कर देना है आपको सिंपल, और फिर यहाँ पे जो है स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया है पावर इंक फ्लशिंग और ये अराउंड जो है आपका 2 से 3 मिनट का टाइमिंग लेगा। उसमें जो है ये इंक फ्लश हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से फिर जो है आप इसको प्रिंट के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी हम इंक फ्लशिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने जो है कम्प्लीटली अपना L805 को जो है DTF पे रेडी कर लिया है और अब हम प्रिंट करने वाले हैं। तो आप यहाँ हमारा जो है सेटअप देख सकते हो, जो हमने
एक्रोरिप करके सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, और ये हमारा एक्रोरिप सॉफ्टवेयर है जहां से हम प्रिंट करने वाले हैं। तो पहले हम जाएंगे फाइल में और ओपन कर लेंगे अपना जो फाइल हमें प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल जो है वो सेटअप कर रखा है। अब A4 डॉग विथ नेक लेवल प्रिंटिंग के साथ में हम जो है वो प्रिंट करने वाले, तो वो हम इंपोर्ट कर लेंगे इस पे। और ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ सेटिंग की जरूरत होगी जो सेटिंग हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इमेज को जो है वो मिरर में ले लेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा मिरर हो चुका है। उस लेआउट में आप देख सकते हो पेपर साइज में जो है हमें 8x12 रखना है, क्योंकि एक्सन का L805 जो है वो A4 साइज का प्रिंटर है, तो वहाँ पे ये लेना है। दूसरा आप देख सकते हो कि आउटपुट साइज जो आपका इमेज है जिसको आपको प्रिंट करना है उसका क्या साइज होना चाहिए, तो वहाँ पे आप A4 के बीच में आप जितना भी साइज में आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है वो सेट कर रखा है 8.27 वाइड हो गया, और हाइट जो है 11.693 वो हाइट रहेगा। उसके बाद हमें जाना है कलर्स में। कलर्स में आपको कुछ सेटिंग करना है। कलर्स में हमें जो है प्रिंट सेटिंग में हमें सबसे पहले जो है सेलेक्ट करना है स्टाइलस L800 को हमें जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो लिमिट होगा वो कलर्स लिमिट 40 होगा, एंड वाइट का जो लिमिट होगा वो 100 होगा। और फिर हमें जो है उसके बाद प्रिंटर्स में जाना है। प्रिंटर्स में हमें यहाँ पे प्रिंटर्स के सेटिंग में हमें देखना है स्टाइलस L800 होना चाहिए। उसके बाद पोर्ट जो है, जो हमारा प्रिंटर्स पोर्ट है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है चेक पेपर साइज को ऑफ रखना है। रेजोल्यूशन जो है वो 1440x720 DPI पे होगा हमारा। उसके बाद जो है हमें वाइट में जाना है, रिमूव ब्लैक इंक रखना है उस, और ये हमारा सारा सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे जो है डायरेक्ट प्रिंट में जा करके प्रिंट के लिए हम ये करेंगे। उससे पहले हमें पेट फिल्म को जो है वो यूज़ कर जो है अपने प्रिंटर में डालना होगा। और इसमें पेट फिल्म जो है L805 में एक सेंसर होता है जो पेट फिल्म को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें जो है बैक में कुछ लेबल जो है वो लेबल टाइप हमें जो है वो स्टिक करना होगा। तो हमें जो पेपर पेट फिल्म को प्रिंट साइड जो है वो कैसे चूज करना है, तो मैट साइड जो होगा वो हमें जो है प्रिंट साइड रखना है, और मैट साइड के अपोजिट में जो है हमें राइट हैंड साइड में जो है वो अपना जो है स्टिकर हमें स्टिक कर देना है। तो सबसे पहले हम इसका ये मैट साइड प्रिंटिंग साइड है, और इसके अपोजिट में हम जो है राइट साइड में एक स्टिक की जो है वो मेरे पास सीट्स, उसको हम स्टिक कर देंगे। तो ये हमने एक स्टिक कर दिया है, और इसे हमें लोड कर देना है। तो अब हम जो है प्रिंटर को प्रिंट कमांड देने वाले हैं। तो प्रिंट कमांड देने के लिए हम जो है प्रिंट पे जाएंगे, और प्रिंट में जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग चेक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आप वाइट लेयर जो देख रहे हैं वो 100% वाइट होना चाहिए अंडर एनी कलर। एंड सेकेंड थिंग, प्रिंट कलर फर्स्ट को जो है वो उसको क्लिक कर देना है, एंड सेकेंड में 16 नोजल पे सेट करना है। उसके बाद हमें जो है डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो अब ये जो है प्रिंट प्रोसेस के लिए प्रिंटर्स में जा रहा है। तो अभी जो है प्रिंटर्स में हमने पेपर डाला है, और प्रिंट के लिए जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो अब हमें इसे जो है क्योर करना है, और ये इंकवेल का जो पाउडर है हमारे पास उससे हमें जो है ये लेयर एक बनाना है। तो ये आप पाउडर देख सकते हो, इसको हम प्रिंट पे एक हल्का सा जो है एक लेयर के लिए यूज करने वाले हैं। और इसको प्रॉपर जो है सारे पाउडर को, सारे जितने प्रिंट एरिया हैं उस पर हमें अच्छे से मर्ज करा देना है इस तरह से।
ये हो गया हमारा पाउडर का लेयरिंग, और जो भी एक्सेस पाउडर है वो हमें फिंगर टिप से हल्का हल्का सा ये करके उसको निकाल देने का है, और फिर हमें जो है वो क्योर करना है। तो क्योर करने के लिए जो है हमें देखना होगा कि अभी इस पे साइन ही नहीं है, जब तक साइनिंग नहीं आए उब तक हमें प्रॉपर क्योर करना है होता है। ये हो चुका है हमारा प्रॉपर तरीके से क्योर। अब देख सकते हो कि इसको टच करने के बाद भी जो है वो एक है, और आप स्पार्कल की तरह एक साइनी देख सकते हो। इस तरह से जब साइनी हो जाए तो आपका प्रॉपर क्योर हो चुका है। अब हम इसे जो है वो टी शर्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें टाइम और टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम जो है टाइमिंग जो है वो रखेंगे 130 टेम्परेचर रखेंगे 130 डिग्री सेल्सियस, एंड सेकेंड जो होगा हमारा टाइमिंग वो 12 सेकेंड होगा। तो ये दोनों हमने सेट कर लिया है, और ये ऑलमोस्ट जो है 106 डिग्री टेम्परेचर तक हीट हो चुका है, और अब इसको 130 तक पहुंचना है। और पहले हम एक बार जो है रिंकल फ्री कर लेंगे इस अपने टी शर्ट्स को। तो इस तरह से हमें तो ये हमने जो है उन लेबल भी प्रिंट किया है साथ में, तो ये लेबल को जो हमें कॉलर पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इसको अलग कर ले रहे हैं। ये दो लेबल A4 साइज़ में हमने दो लेबल और एक इमेज दोनों सेट करा है। तो अब हम इसे कॉलर पे पहले जो है वो प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए जो है ना कॉलर, क्योंकि थोड़ा सा वो डाउन होता है, तो उसके लिए हमें एक थिक जो है पेपर या कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, जो हम उसको प्रॉपर इस पे जो है प्रेशर और हीट पड़ सके। तो इस तरह से हमने जो है ये ले लिया है। और इसे हम जो है कोल्ड पील करने वाले हैं। कोई भी जो DTF की प्रिंट होगी वो कोल्ड पील होगी, तो इसे हम थोड़ा सा कोल्ड होने देंगे। फिर हम इसे, जब तक ये कोल्ड हो रहा है, अब तक हम जो है दूसरा प्रिंट जो है इसका वो भी कर लेते हैं। इस तरह से हम सेट कर लिए हैं। और इसको भी हम 12 सेकंड के लिए हीट कर देंगे।
और ये हो चुका है हमारा DTF ट्रांसफर। ओके दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि L805 DTF प्रिंटिंग किस तरह से प्रिंट परफॉर्मेंस है इसका, सारा चीज़ आपने जो अभी हमने आपको करके दिखा दिया है और बहुत ही अच्छा फील है। और इसमें हमने जो है नेक पे जो टैग प्रिंट होता है उसको भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिंट किया और काफ़ी डिटेलिंग के साथ वो चीज़ हमारे पास में आया है, जो वॉट बहुत छोटे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और अगर आपको ज़्यादा प्रिंट है तो मेरा सजेशन ये है कि इप्सन L805 के साथ ना जा करके इप्सन L1800 के साथ जाए, जहाँ पे आपको जो है वो साइज़ में जो है आप A3 के प्रिंट कर सकते हो और उसमें जो पेपर लोडिंग वगैरह का जो इशू है वो सारा जो है वो सॉल्व हो चुका है हमारे इम्प्रिंट सॉल्यूशन की तरफ से। आपको उसमें सारे प्रॉब्लम जो है वो सब कुछ जो है सॉल्व करके मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपनी राय हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि किस तरह का ये वीडियो लगता है आपके लिए, हेल्पफुल होता है या नहीं होता है, और कुछ सजेशन हो तो वो ज़रूर हमें ये करें। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें अच्छे लगते हैं और उसका रिप्लाई हम देते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो प्रिंट और प्रिंटर से रिलेटेड तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा करके आप DM हमें कर सकते हैं इम्प्रिंट सॉल्यूशन मुंबई के नाम से, वहाँ पे पेज अवेलेबल है। और तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।